सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 10 जो है इसके बारे में जानेंगे। तो इस प्रयोग में जो है वो क्या है, डॉगफिश या इसी को स्कॉलियोडॉन के नाम से जाना जाता है। डॉगफिश क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इसके सूंघने की क्षमता कुत्ते के समान होती है, इसलिए इसको डॉगफिश के नाम से जाना जाता है। बात समझ गए होंगे। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, तो क्या है स्कॉलियोडॉन और सोराकोवाह, क्या है सोराकोवाह, ए है सोराकोवाह, तो स्कॉलियोडॉन सोराकोवाह, ये है जूलॉजिकल नेम या जंतु वैज्ञानिक नाम, तो स्कॉलियोडॉन और सोराकोवाह ये हो जाता है डॉग फिश का जूलॉजिकल नेम। तो आप जैसा कि आप जानते हैं, हम जब एक्सपेरिमेंट नंबर 10 देख रहे हैं और इसमें क्या है हमें करना है, इस प्रयोग में स्कॉलियोडॉन को बनाना है या करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्लेन पेज में चित्र बनाते हैं। तो चित्र कौन सा बनाना है ये आपको हम बता रहे हैं। तो आपको जो चित्र बनाना है, ये आपको चित्र बनाना है, एक इसका चित्र है स्कॉलियोडॉन का है, तो आप स्कॉलियोडॉन का चित्र बना लेंगे। ये एंटीरियर भाग है, पोस्टीरियर भाग है, और ऊपरी सतह क्या कहलाती है डोर्सल, निचली सतह क्या कहलाती है वेंट्रल। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे इसमें सब क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो इसको जो निकला हुआ सिरा है इसको कहते हैं स्नाउट, ठीक है, और स्नाउट में ही क्या है, इसमें नीचे इसके नस्टल मतलब नासा छिद्र हैं, और इसके माउथ है, और माउथ में एक से पांच क्या है गिल्स है, स्लाइड्स हैं, या जो गिल्स रंध हैं ये हैं यहाँ पर, ये जो जितने भी हैं तैरने के लिए क्या है, इसके शरीर पर फिन हैं या पख हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी इसमें चीज़ें हैं, आपको ये चित्र पूरा क्या कर लेना है, बना लेना है। तो वीडियो को पुश करके बना लें या इस बार बार स्किप करके बनाते रहें, आप पूरा चित्र बना लेंगे। बनाने के बाद क्या करना है, आप सब लोग जानते हैं, जब जैसे ही हमारा ये चित्र बन जाएगा तो एक इसका है स्कॉलियोडॉन है, समझ गए, तो स्कॉलियोडॉन है या इसको जो मादा है, और ये भारतीय डॉगफिश या शार्क, शार्क भी कहलाती है, तो स्कॉलियोडॉन या ये लिखा ना सोराकोवाह, ठीक है, तो ये लिखा है पार्स दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इस चित्र को बना लेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं चित्र बनने के बाद हम क्या करते हैं, साइड से क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण में आपको वही लिखना है, क्या लिखते हैं हम, आपको पता है जगत, फिर संग, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसी, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं लिखते हैं। तो अब चलें देखते हैं इसका जो स्कॉलियोडॉन है या स्कॉलियोडॉन सोराकोवाह है, इसका क्या होता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, ये हम देखते हैं, जो हमें चित्र वाले पेज पर ही यहाँ चित्र बना है उसके कॉर्नर में लिखना है। ये रहा क्लासिफिकेशन, किसका है डॉगफिश का। तो देखें किंगडम, किंगडम क्या है एनिमिलिया है, क्योंकि मछली क्या है जंतु है, तो इसलिए ये जंतु जगत के अंतर्गत रखी गई है। तो इसको किसके अंतर्गत रखा गया स्कॉलियोडॉन को, जंतु जगत के अंतर्गत, क्योंकि ये जंतु है, ठीक है। अब आ जाता है फाइलम, तो फाइलम क्या है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्या है कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत रखे गए हैं, तो ये कॉर्डेटा है। और जो अभी तक हम प्रयोग पढ़े हैं 9 तक, वो कैसे थे नॉन कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर हमें पता होना चाहिए। तो कॉर्डेटा में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होती है, मेरुरज्जु होती है, वो क्या होती है पाई जाती है, और नॉन कॉर्डेट्स या अकशेरुकियों में नहीं पाई जाती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो होलोलाइक नर्व कॉर्ड होती है वो भी इनमें पाई जाती है, और जो आपके अकशेरुकी होती है उनमें होलोलाइक नर्व कॉर्ड नहीं पाई जाती है। तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट हम दोनों में अंतर याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे इसका क्या है क्लास है, तो क्लास क्या है देखें इसका, तो इसका क्लास है कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज मतलब उपास्थिल मछलियां कहते हैं, उपास्थिल मछलियों के अंतर्गत रखा गया है। तो उपास्थियां आप लोग जानते होंगे, जो उपास्थियां क्या होती हैं, जो लचीले होती हैं, मतलब जो मुड़ सकती हैं, हड्डियां जो अस्थियां और उपास्थियां दो प्रकार के जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें पाई जाती हैं। तो उपास्थियां क्या लचीली होती हैं, जो मुड़ सकती हैं, जैसे कि हमारे जो नाक है, नाक का अग्रसिरा है, और कान जो है ये बाह्य कर्ण हैं, जो कर्ण पल्लों हैं,
ये क्या है, ये जो मुड़ सकते हैं तो ये किसके बने, उपास्थियों के बने हैं, इसलिए मुड़ सकते हैं। तो इन मछलियों में क्या होती हैं, अस्थियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन क्या है, उपास्थियां पाई जाती हैं, इसलिए इसका वर्ग क्या है, ऑस्टिकथीज है। ठीक है, ऑस्टिकथीज के अंतर्गत स्कोलियोडोन को क्या है, रखा गया है, मतलब उपास्थिल मछलियाँ कहलाती हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाता है उपास्थिल मछलियाँ कौन सी हैं, क्या उन्हें है, तो डॉगफिश एक उपास्थिल मछली है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, ऑर्डर है, और ऑर्डर क्या है, तो है स्क्वैली फॉर्मीज, क्या है, स्क्वैली फॉर्मीज, ये है क्या ऑर्डर हो जाता है, स्क्वैली फॉर्मीज, ये क्या है, स्कोलियोडोन या डॉगफिश का ये ऑर्डर या गण है। आगे है जीनस, तो जीनस क्या है, वही चीज़ है स्कोलियोडोन, और जाति क्या होगी आपका, सोराकोवा है, ठीक है, सोराकोवा है, सोराकोवा है, ये है क्या, ये स्पीसीज हो जाती है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण हो गया, और वर्गीकरण कहाँ किया है हमने, तो पता है प्लेन पेज में जहाँ चित्र बना उसके साइड में हमने क्या कर लिया है, वर्गीकरण कर लिया है। अब हमें देखना है इसके कमेंट्स लिखना है या लक्षण लिखना है, तो डॉगफिश के क्या है, तो ये कमेंट्स रहे, ये है कमेंट्स, तो कमेंट्स में क्या है, पहला कमेंट्स है या लक्षण है इसका, स्कोलियोडोन जो है समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, तो ये कहाँ पाई जाती है, बात ध्यान रखनी हमें, तो ये समुद्री मछली है, समुद्र में पाई जाती है, समझ गए। तो पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ये समुद्र में पाई जाने वाली मछली या मैरिन वाटर में रहती है, लबड़ीय जल में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। दूसरा है स्कोलियोडोन, तो स्कोलियोडोन क्या है, जो दूसरा पॉइंट है, स्कोलियोडोन मांसाहारी मछली है, मतलब ये शार्क मछली के नाम से जानी जाती है, और ये तो क्या करती है, मांसाहारी है, ये अन्य मछलियों का भी भक्षण करती है, तथा अन्य जंतुओं को क्या करती है, मांस खाती है या उसको खाने का कार्य करती है। आगे है तीसरा है, स्कोलियोडोन एक प्रकार की उपास्थिल या कार्टिलेजिनस, समझ गए, उपास्थिल मछली है, कार्टिलेजिनस मछली है, उपास्थियाँ इस मछली में क्या हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है, पहला पॉइंट समुद्री जल में पाई जाती है, दूसरा मांसाहारी है, तीसरा क्या, उपास्थिल मछली है। आगे देख लेते हैं, तो चौथा पॉइंट है, स्कोलियोडोन का शरीर जो है भूरा सा होता है, अगर देखेंगे तो ये भूरा होगा इसका शरीर, लगभग 60 सेंटीमीटर तक लंबी या तर्करूपी होती, तर्करूपी का मतलब है आपने अभी चित्र देखा था तो जिसमें अग्रसिरा भी पतला था, पश्चसिरा भी पतला था, बीच में कैसी थी, मोटी टाइप की थी, इस प्रकार की अगर होता है कोई भी चीज़ है तो उसको तर्करूपी कहते हैं, तो ये तर्करूपी है, समझ गए होंगे। स्कोलियोडोन का शरीर कैसा, भूरा और लगभग क्या, 60 सेंटीमीटर तक लंबा और तर्करूपी होता है। अगला पॉइंट है, स्कोलियोडोन के अग्रभाग पर क्या होता है, प्रोथ या स्नाउट, अभी आपको चित्र में बताया था, उपस्थित हो, तो स्नाउट उपस्थित है, जिस पर क्या है, अधर तल में मुख है, ठीक है, और उसी पर क्या है, बाह्य नासा छिद्र भी स्थित हैं, चित्र में आपको अभी बताया भी था। अगला पॉइंट है छठवां, तो स्कोलियोडोन के मुख के पीछे पांच मतलब जो है एक से पांच या पांच क्या है, खड़ी गिल्स दरारें या गिल्स स्लाइड्स अपर कुलम रहत होती हैं, मतलब इसमें अपर कुलम नहीं होते हैं कि अंदर जल ले जाने, तो इस प्रकार से ये रहते हैं, स्लाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है, स्कोलियोडोन के शरीर पर तैरने के लिए पख क्या होते हैं, पख उपस्थित होते हैं, जो अभी बताए थे, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है प्रकार, इसमें सिर्फ ये बताना है तैरने के लिए क्या है, पख है। अगला है, देखें तो अगले पॉइंट ये रहे, वो अगले पॉइंट क्या कहते हैं, तो देखें क्या कह रहे हैं, स्कोलियोडोन के जबड़ों पर पीछे की ओर उन्मुख, मतलब पीछे की ओर उन्मुख धारदार उन्मुख, थोड़ी झुके हुए या मुड़े हुए धारदार क्या होते हैं, समदंती मतलब समान, बहुवारदंती पॉलीफाइकोडोंट, मतलब बहुवारदंती का मतलब इनके गिर जाते हैं, जैसे कहीं बिद गए निकल गए तो फिर से उगाते हैं, ये दांतों की दो पंक्तियां स्थित होती हैं, तो ये लिख लेना। अगला स्कोलियोडोन एकलिंगी है, और ये क्या है, जरायुज वेविपेरस से अर्थात बच्चों को जन्म देती हैं, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, पॉइंट है, जिनको हमें क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, इसके कमेंट्स लिख लेना है, तो आप कमेंट्स को
क्या करेंगे, पूरे कमेंट्स लिख लेंगे हेडिंग डाल करके, डॉग फिश स्कॉलियोडोनी लाइनिंग वालों पेज में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।